शांति 11 अप्रैल 2020 साकार मुरली का सार है। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे वैजंती माला में आने के लिए। वैजंती माला समझते हैं ना, 108 की माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, हमेशा बाबा की याद में रहो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? मीठे बच्चे, बाप की रिक्वेस्ट, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो। बाप का कहना मानेंगे तो अच्छे बच्चे। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो, जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी, राज तिलक जिनका होना है। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, भविष्य के लिए अपना बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है, कोड़ियों के पीछे समय ना गंवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि खाओ। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वो सेवा ना स्वयं को फल प्राप्ति कराती और ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वयं परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेगी। संतुष्ट बनो, अपने आप को संतुष्टता में रख के फिर सेवा में आओ तो सफलता मूर्त बन जाएगी। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार कर। कोई भी विघ्न आया है, अब ये सोचना विघ्न खत्म हो तो फिर बाबा की मुरली सुनूंगा, ये मुसीबत दूर हो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए फिर मैं रोज मुरली सुनने जाया करूंगा, फिर मैं रोज सेवा किया करूंगा, ये मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। ये है पत्थर तोड़ना, ये है पत्थर तोड़ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई ना, नहीं तो मैं जरूर सेवा पे जाता, नहीं तो मैं जरूर मुरली सुनने आता। वो समस्याएं हैं, रहेगी, उनका अलग मकाम है, पर तो मुझे बाबा से पढ़ना और बाबा की सेवा ये सब करते हुए करना, ये है हाई जंप देकर पार करना। क्योंकि जो दुख आया है, जो मुसीबत आई है, जो विघ्न आया है, वो विघ्न मेरा पेपर, वो विघ्न मेरा पेपर है। टांग टूटो, सिर टूटो, बीमार हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ, ये सब विघ्न है जो बाबा को की पढ़ाई पढ़ने से रोकते हैं, जो बाबा की सेवा करने में रोकते हैं। बाबा की सेवा नहीं है, अपना भाग्य बनाने के लिए वो हमें रोकते हैं। क्योंकि हम करेंगे हम पाएंगे, बाबा को कोई मतलब नहीं है, बाबा को हमारी सेवा की जरूरत नहीं।